Lights, camera, action. So this is your boy Ibrahim. So कैसे हैं आप सब? कैसे कैसे आप लोग बहुत मजेदार होंगे इतना तो मुझे पता है, लेकिन इस वक्त मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, आप लोग भी कर रहे होंगे जिस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन बहुत जल्द ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि चांद आज निकलता है या कल। वैसे तो पिशावर और सऊदीया में तो है ही है ईद, देखते हैं कि अब पाकिस्तान में भी होती है कि नहीं होती। कैमरा मैं इसी जगह में लगा के चला गया था ताकि दोबारा आके चीज़ें ना सेट करनी पड़े। इसमें नहीं लगाया वो, मैंने जिस तरीके से लगाया वो मैं आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कैसे कैमरा लगाया है। ऐसे कैमरे को छोड़े तो चांद नज़र आ चुका है, तो आप सबको बहुत बहुत चांद मुबारक। कल ईद है, मतलब 29 रोज़े, हम सारे समझ रहे थे 30, लेकिन फवाद चौधरी ने बोला था कि 29, और वो मीम्स आपने भी देखी होंगी बड़ी, वो WWE चैम्पियन वाली फवाद चौधरी और जो मुझे कारी साहब का नाम नहीं आता बड़े माजरत के साथ, मुझे चांद देखने वाले कारी साहब हैं वो, तो वो आपने देखी होगी। और चलते हैं ज़रा, चलते क्या है, आपको थोड़ी दास्तान सुनाते हैं। सुबह मैं लेने गया था अपने लिए कुर्ता, मज़े का सीन ये हुआ है कि स्मॉल मुझे आता नहीं, और मतलब स्मॉल मैं लूँ तो मुझे बहुत मतलब टाइट टाइट होता है और हाथ मेरे पूरे नहीं आते, मीडियम में आ जाता है लेकिन हाथ थोड़े ऊपर। कैमरे की जगह है ली है लेकिन टाइम कम है, बाहर खुतबा हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। टाइम अब शॉर्ट रह गया, बाल मैंने ऐसे ही सेट कर लिया, तकरीबन 7 मिनट रह गया, मस्जिद मेरे साथ ही है, मैंने पहुँचना है, अपना जाए नमाज लेके जाएंगे, अपना सैनिटाइजर लेके जाएंगे, साथ ग्लव्स पहन के जाएंगे, सेफ्टी चले हाजिर। तो दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, और इस व्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करूँ, और आप लोगों ने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी से कर लें। अब मेरे जाना है कब्रिस्तान, चले मेरे साथ, आप लोग बगैर जा नहीं सकते आज। World seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. तो ये वाली जो कब्र है ये मेरे दादा की है, और ये वाली कब्र मेरे चाचू की है,
मैं अपनी कई हफ्तों से अपनी वीडियो में देख रहा था कि मेरा एक डिसलाइक हर वीडियो में लास्ट ही होता है, तो मैं हैरान था कि ये डिसलाइक किसका होता है। लेकिन उस डिसलाइक की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक अपनी छोटी नन्ही सी फैन से मिलवाना चाहूँगा। हाँ जी, बताओ अपना नाम। मेरा नाम है जुहर शहजाद। बोलो ना कैमरे में। जुहर शहजाद। और कुछ? मेरी वीडियोस क्या, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अच्छा, अब सीन सुनो। इसने मुझे बताया कि मुझे कभी कभी आपकी वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं दो बार लाइक करती हूँ। तो ये लाइक भी कर देती है और साथ ही डिसलाइक भी कर देती है, जिसको ऑप्शन नहीं पता था। और इसने बेल आइकन भी दबाया हुआ है ना। ईदी दे रहे, ईदी दो यार, ईदी दो, जल्दी दो यार। मनी आप तो नहीं दो मुझे। पहले नहीं, पहले आप दे, फिर मैं दूंगा। एक सुपरमैन बनाओ और एक स्पाइडरमैन। जैसे पैसे यहाँ मेरे हो गए हैं। सेवन नहीं, यान देगा यान। अच्छा यान ईदी, इतने ज्यादा पैसे यार। जोहा मैंने सुना आप तो बड़ी अमीर हो गए, थोड़ी सी ईदी मुझे भी दो ना। ये ले लू मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आ चुके हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम असद भट्ट एंड अब्दुल अहद भट्ट। इस बंदे ने इसको दोनों क्यों भट्ट बनाया, क्या सोच के? इसकी कौम इस तरह की के नाम नहीं ले सकते। धूप से बच के मेरे यार इधर छांव में खड़े हुए हैं। यार वो असद, वो कुछ लोग ना मेरे व्लॉग में कहते हैं कि ये बंदा बड़ा आहिस्ता बोलता, चक्कर क्या है? भाई हेटर्स गाना है। नहीं नहीं, आहिस्ता बोलता ही नहीं है ये। तू कैमरे में घुस जा। इस बंदे ने ना स्लोमो लगाया। और समी मेरे यार और जकी अहमद भी आ गए। यार जूस लेने गए थे बनाने। तो दोस्तों मैं अभी सो के उठा हूँ, मैं अभी सो गया था, कोई 4-5 घंटे तो मैं सोया हूँ। लेकिन मैंने मोबाइल अभी देखा है तो मेरे दोस्तों के गालियों से भरे हुए मैसेज ही मैसेज आए हुए हैं। मुझे अब दोस्तों के पास पहुँचा है, इससे पहले मजीद गालियाँ आए काफ़ी सारे। जो सीन्स थे वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा था और काफ़ी सारे मैं सोने की वजह से नहीं कैप्चर कर पाया। भूख भी बहुत लगी हुई है, घर में भी बहुत कुछ बना हुआ, लेकिन उन्हीं वो अलावर्ड नहीं आगे बोल सकता, उन्हीं के साथ जाके खाएंगे आज। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अफीफ की बाइकस में, समी उल्ला मेरे यार के घर के बाहर। समी वो तुम नजर नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारे कल। तो इस वक्त हम आ चुके हैं समी के वेकअप एंड मेकअप में और ये बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है। भाई जान आपको शर्म नहीं आती? यार मैं अपने ये पकड़ा माइक, मैं अपने यार के लिए बहुत हैवी गिफ्ट लेके आया हूं। नाचो यार तुम। अरे नाचो सारे जी फाड़ के मेरे कैबिन से। अच्छा स्क्रिप्ट कट ऑफ कट ऑफ यार। तो इस वक्त मैं वेकअप एंड मेकअप के ये चैनल का नाम है तुम्हारा, ऊंचा बोलो ना, मुझे नहीं समझ आ रही। ग्लिटरी ग्लैम। ग्लिटरी ग्लैम, हां लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। इतना भी नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देना। एक भाई पैसे लेते, पैसे दो जित पेड प्रमोशन है भाई। तो भाई लाइट है। तो समी जी ने मुझे ये छोटी सी बड़े मजे की रिंग लाइट प्रोवाइड किया। तो दोस्तों इस वक्त हमारा होने लगा है ताश का हैवी तरीन मैच। अराफ और समी साथी, असद और मैं साथी, हारने वाला हैवी तरीन पार्टी देगा। तो चलें देखते हैं। तो दरअसल सीन कुछ ऐसा हुआ है, असद ने मुझे बोला है ये लोग काफी दिन से आ रहे हैं। असद ने बोला काफी दिन से ये लोग आ रहे हैं, तो आज जीतने दो। क्यों असद, जैसे ही हुआ ना ऐसा जीते 350 350 यार असद 300 7 ताकते हमारे पास 7 ताकते इसको बोलो
मैंने कहा ईद का खुशगवार मौका है तो इनको भी एक चांस देना। 29 रोजे मार मार के हम थक गए थे यार, बस थक गए थे हम। देखें आप लोग हारे हैं, आप लोग जो मंगा लें खुशी से। ठीक है यार ऑर्डर कर दो, आज वैसे भी ईद है, छोड़ो। तो समी जी के कहने पे हम आप मंगवाने लगे कोई हैवी सा खाना जिसके पैसे अफीफ से। जरा ये अब शगुन हो गया समी की, बोलना जरा कौन सा ग्लास टूट गया समी। मंदी समी समी की मम्मा की जी इसका ग्लास टूट चुका है। कभी शायद ये आलम रहे कुछ ऐसा हो तो तुम ना रहे, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। हमने ना समी का प्रो मैक्स छुपा दिया और समी अब आ गया खाना लेके नीचे से आ गया। अब हाँ क्या कह रहे हो, नीचे आके आके बंद कर दो ना। क्या हुआ? तो अब हमने खाना पीना शुरू कर दिया, ये बंदा बहुत खुश हो गया लेकिन इसका मोबाइल पता नहीं किधर है, हमारे पे ताने दे रहा है। इतना बड़ा ये प्रैंकस्टर है कि हाँ तो चेक करो ना, मोबाइल छुपा के हम पे इल्जाम लगाने लगा हुआ। करो चेक। चलो यार हम तो चलें घर। चल यार समी फिर कल मिलते हैं तेरे से। वो करते चलो जी यार मोबाइल दो यार। यार तेरा दिमाग खराब है, कौन सा मोबाइल, कौन सा मोबाइल? ये बंदा ना दिमाग की कब्ज कर रहा है, कह रहा है हमारे पास मोबाइल है। अजीब पागल है, नहीं है हमारे पास मोबाइल। हमने समी का मोबाइल इधर रखा था लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। चीन का बिल है लगता है। देखा चेक कर लो मेरे मेरे पीछे आ करोगे? आओ इसकी जरा पट, इसके पट पटे। अच्छा एयर ड्रॉप कर वीडियो मुझे छोड़। तो दोस्तों अब हम अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे हैं, तो आपसे मैं घर में जाकर मिलता हूँ और इनको चलो भाइयों अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलोगे? चलो आ जाओ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ घर, उधर ही खड़ा हूँ जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया था। ये था आज का ब्लॉग ईद डे वन। 11 बज चुके हैं रात के, बहुत इन्जॉय किया और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।